तो एंटरटेनमेंट का एक और मंथ अक्टूबर खत्म हो चुका है और अभी एक नया मंथ नवंबर शुरू हो गया है, जिसके पहले हफ्ते में बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में इस लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल, स्वागत है आपका आज की लिस्ट में। तो इस लिस्ट को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपसे कोई भी बढ़िया एंटरटेनमेंट मिस ना हो जाए। बाकी ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली के डेली पोस्टर्स के साथ अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें हर बार की तरह ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं दिनों में कुछ रिलीज हुई बढ़िया कंटेंट के साथ, जिसमें सबसे पहले साउथ की मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल की पैन इंडिया मूवी मॉन्स्टर, जिसे अभी मलयालम के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी अनिल एंड बमनी नाम के एक कपल की होती है, जिनमें से बमनी एक टैक्सी ड्राइवर का काम करती है और एक दिन उसके पैसेंजर के रूप में उसे मिलता है लकी सिंह, जो एक मिस्ट्री मैन है, और उसकी एंट्री के बाद बमनी एंड अनिल की जिंदगी चेंज होने वाली है। बाकी उनके साथ क्या होगा वही इस एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मसाला मूवी में दिखाया गया है। इसके बाद है साउथ की पवन कल्याण एंड राणा डग्गुबाती की एक्शन क्राइम थ्रिलर बड़ी मूवी भीमला नायक, जिसे साउथ की लैंग्वेजेस में तो काफी टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इंडियन ऑडियंस अभी भी इसके हिंदी डब का इंतजार कर रही थी, जिसको अभी ओटीटी पे तो नहीं, जो 30 सितंबर रात को 8 बजे सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने वाली है, जिसके कुछ टाइम बाद ही इस मूवी को किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है एक नई पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा मूवी मोटरसाइकिल गर्ल, जिसे विल्ली के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक पंजाबी नई क्राइम थ्रिलर मूवी राउडी सिंह, जिसे चौपर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी में पंजाब की डर्टी पॉलिटिक्स, गैंगस्टर्स और बाकी क्राइम्स भी दिखाए जाने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज इनसाइड मैन, जिसे 31 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी क्राइम और मिस्ट्री से भरी है और एक ऐसे बंदे की कहानी के साथ आगे बढ़ती है जो अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में जेल काट रहा होता है, लेकिन प्रोफेशन से वो एक क्रिमिनल लॉयर होता है, जिसके पास जेल में भी बहुत से क्लाइंट्स आते हैं उसकी मदद लेने के लिए। बाकी आगे उसके पास कौन कौन से केस आते हैं वही इस सीरीज की कहानी दिखाई जाने वाली है। इसके बाद है साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की 2017 की एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी स्पाइडर, जिसे अभी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की है जो एक साइको सीरियल किलर के पीछे पड़ा होता है, जिसने अभी तक बहुत सारे लोगों को मार डाला है और उसका आतंक शहर में अभी भी जारी रहता है, जो बस लोगों को रोता हुआ देखने के लिए उनके अपनों को मार डालता है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज यंग रॉयल्स का सीजन 2, जिसे अभी 1 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी बिल्कुल एलीट सीरीज के जैसी ही है, जो एक 18 प्लस अडल्ट सीरीज है, जिसमें रोमांस, क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिल के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें एक प्रिंस एक नए स्कूल में जाता है जहां से बाकी कहानी उसके ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। अगर आप एलीट सीरीज के फैन हो तो ये सीरीज आपके लिए रिकमेंडेड होने वाली है। इसके बाद है साउथ की एक नई स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी घोस्ट, जिसे अभी अक्टूबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इसे इतनी जल्दी ही 2 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में तेलुगु एंड तमिल में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक एक्स रॉ एजेंट की होने वाली है, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी पिछली जिंदगी पीछे छोड़ते हुए अभी अपने पुराने दुश्मनों से खुलेआम टक्कर लेने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज किलर सैली, जिसे 2 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक बॉडी बिल्डर कपल की होने वाली है, जिसमें उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड को एक शॉटगन से मार डाला था, बाकी उसने क्यों मारा और कैसे वो पकड़ी गई और फिर उसके साथ क्या हुआ वही पूरी कहानी असली वीडियो फुटेज एंड इंटरव्यूज के साथ दिखाई जाने वाली है इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में, जो एक लिमिटेड सीरीज है जिसमें इस फीमेल बॉडी बिल्डर की कहानी को इसी सीरीज में खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद है बहुत टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा मूवी ब्लॉकबस्टर, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए नेटफ्लिक्स पे 3 नवंबर से रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी तो कुछ खास नहीं लेकिन टाइम पास वाली जरूर है, जिसे अभी 3 नवंबर से हिंदी में देख पाएंगे। इसके बाद है डीसी की सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज टाइटंस, जिसका नेक्स्ट सीजन अभी 3 नवंबर से HBO Max पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाला है, जिसके नेक्स्ट सीजन के पहले 2 एपिसोड्स को 3 नवंबर को रिलीज कर दिया जाएगा, बाकी हर हफ्ते एक एक करके इसके नेक्स्ट एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब फैंटेसी एडवेंचर एनिमेशन सीरीज मिस्ट्री ऑफ अरावोस का सीजन 4, जिसे अभी 3 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी फैंटेसी एंड एडवेंचर भरी कहानी सीजन 4 में भी जारी रहने वाली है, जिसमें 2 ह्यूमंस और एक एल्फ एक साथ मिलते हुए उनके किंगडम्स में होने वाली एक बड़ी जंग को रोकने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो तो इस सीरीज में देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसके चारों सीजन अभी हिंदी डब में अवेलेबल होने वाले हैं।
इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक पंजाबी एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी बाईजी कुटनगे, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 4 नवंबर से इस पंजाबी मूवी को Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद सोनी लिव की एक ओरिजिनल साउथ की तमिल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कायोम कालावुम, जिसे अभी 4 नवंबर से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक लड़के और लड़की की, जिनमें से एक तो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचता है और लड़की हमेशा ही दुखी होते हुए अपनी नाकामियों के बारे में सोचती रहती है। अभी दोनों की जिंदगियां इस मूवी में इकट्ठी होने वाली हैं, बाकी एक दूसरे से मिलने के बाद क्या वो एक दूसरे की जिंदगियों को बदल पाते हैं या नहीं, वही इस कहानी में क्राइम और मिस्ट्री के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसकी अभी तक हिंदी डब होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट हमेशा की तरह सोनी लिव सरप्राइज रिलीज करता है, तो इस मूवी के हिंदी डब होने के बारे में भी इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और साईफाई एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मैनिफेस्ट, जिसका सीजन 4 भी अभी नेटफ्लिक्स की ओर से कंफर्म कर दिया गया है, जिसे हिंदी डब में 4 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाएगा, जिसकी कहानी एक प्लेन की होती है जो धरती पे हुई एक बड़ी घटना के बाद एक जगह से उड़ान भरते हुए दूसरी जगह पे जाता है और लोग छिपते छिपाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसके सीजन 3 में जो कहानी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए सीजन 4 में भी इसकी कहानी को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक सुपरहिट एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एनोला होम्स, जिसका सीजन 2 अभी कंफर्म हो चुका है और अभी इसे 4 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी एक छोटी सी लड़की की है, जिसमें हमें स्ट्रेंजर थिंग्स वाली 11 ही मेन रोल में देखने को मिलती है, जो एक डिटेक्टिव के जैसे कई मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है इस सीरीज की कहानी में। इसके बाद है Amazon Prime की एक 18 प्लस अडल्ट पीरियड रोमांटिक ड्रामा मूवी माई पुलिसमैन, जिसकी कहानी 1950 के ब्रिटेन में सेट होने वाली है, जिसकी कहानी तीन दोस्तों की एक लव ट्रायंगल के साथ आगे बढ़ने वाली है, बाकी उनकी जिंदगियों में क्या क्या होता है वो तो इस मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे अभी 4 नवंबर से Amazon Prime पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया पीरियड हिस्ट्री एक्शन वॉर थ्रिलर मूवी PS1, जिसकी कहानी इसी नाम के एक नॉवल पे बेस्ड है, तो थिएटर्स में तो ये मूवी अपने बजट के मुकाबले कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, जिसके चलते ही अभी इसको Amazon पे रिलीज भी कर दिया गया है, लेकिन ओनली अर्ली एक्सेस थ्रू। अर्ली एक्सेस का मतलब होता है कि हम अभी इस मूवी को थोड़े से ज्यादा पैसे पे करते हुए रेंट कर सकते हैं Amazon से, और कुछ दिन बाद ही 4 नवंबर से इस मूवी को Amazon Prime पे फ्री में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल होने वाली है। इसको हिंदी डब में देखने के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, मींस के नवंबर मंथ के 3rd वीक के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट नवंबर के 2nd वीक तक आ जाएगी। इसके बाद है इंडिया की सबसे बड़ी सुपरहीरो रोमांटिक एडवेंचर थ्रिलर मूवी ब्रह्मास्त्र, जिसे 9 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज किया गया था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसे आज तो नहीं लेकिन अभी से कुछ दिन बाद ही 4 नवंबर को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है, और वो भी सभी लैंग्वेज में एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद HBO Max की 2022 की 18 प्लस अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी मिंग्स, जिसे अभी 4 नवंबर से इंडिया में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लाइन्स गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी 1970 में एक लड़की की होने वाली है जो लॉस एंजल्स शहर में आती है और इस मूवी की कहानी में एक वुमेन्स इरोटिक मैगजीन को शुरू करने वाली है, बाकी उसकी जर्नी किस ओर जाती है और कैसे हमें हंसाते हुए आगे बढ़ती है वही इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।